Hey guys, what's going on? I hope you are all watching this video in a good condition. Today we will talk about DotOS 5.2 for our Redmi 5 that has been officially launched. So the DotOS comes with a great stability and it is a performance ROM. And there are many customization features in this ROM. So let's start the review of this ROM. So let me go to the settings. And in settings we will first go to the about menu. तो about section में चलते हैं. About section में मेरे ख्याल से मैं सबसे पहले हाँ देखिए DotOS का हमें version देखने को मिलता है, storage capacity और device का name. उसके नीचे Android 11 हमें मिलता है यहाँ पर. और इसका Android 11 का हमें Easter egg भी देखने को मिलता है. Security patch की बात करें तो October 1 का security patch इसमें मिलता है. Kernel हमें मिलता है Linux का. इसकी लॉन्चर की बात करें तो ये DotOS का ऑफिशियल लॉन्चर इसमें इन्होंने इस्तेमाल किया है. वरियन मैंने डाउनलोड किया क्योंकि वनीला में स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा मिलती है और ये काफ़ी लाइट वेट होता है. बात करें इसके वेजेस की तो वेजेस में हमें एंड्रॉयड 12 का क्लॉक मिलता है. काफ़ी इसके ज़्यादा वेजेज हैं और इसमें उन्होंने जो एंड्रॉयड 12 का वॉलपेपर बेस्ड थीमिंग सिस्टम जो उन्होंने ऐड किया हुआ है इसके अंदर, पर इसके अंदर वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा. ये देखें ना, अब ये इसका वॉलपेपर का कलर ये देखें, ये दो तीन उन्होंने दिया है पर ये देखें सही तरह वर्क नहीं कर रहा. ये लैग काफ़ी करता है, हालांकि सिस्टम का जो कलर है ना वो सही प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है. देखें जैसे कि अब ये देखें ये लैग कर जाता है, सही तरह वर्क नहीं करता. ये देखें अभी तक इधर स्टक हो चुका है, अब ये चलाया जाके. कस्टमाइजेशन की बात करें तो हम इसमें बहुत कुछ कस्टमाइज कर सकते हैं. आइकन के शेप्स चेंज कर सकते हैं और टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, ग्राइड्स और ये ऊपर टास्क बार के आइकन जो है वो भी चेंज कर सकते हैं. मोर सेटिंग में जाके हमें ये बिल्कुल AOD इसमें इस मोबाइल में सपोर्ट नहीं करती क्योंकि ये IPS की डिस्प्ले है. यहाँ से आप देख सकते कर सकते हैं इसको स्वाइप करके कि आपने क्या करना है और क्या नहीं. वो देखें ऊपर बैटरी का जो इंडिकेटर है वो उसकी लोकेशन चेंज हो जाती है. यहाँ पर शो परसेंटेज का आ जाता है और यह बंद करने का भी हो जाता है. और ये ऊपर क्या बता उन्होंने दिया हुआ है कि कौन कौन से आइकन यहाँ ऊपर शो होंगे और नहीं. ये देखें ये सारा कुछ आपको मिल जाता है. ऐप लॉक भी इसमें वर्क नहीं कर रहा प्रॉपरली. वो भी सिस्टम की बात करें तो सिस्टम में भी देखेंगे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजिंग हमें दी हुई है. नीचे मेंटेनर का सपोर्ट उन्होंने दिया हुआ है. नेटवर्किंग इसकी पूरी तरीके से चल रही है. वो वोल्टी भी है, 4G भी है और वाईफाई भी चल रहा है. इसमें बात करते हैं गेम डैशबोर्ड की तो गेम मोड भी इसमें है अवेलेबल. स्क्रीन गार्डर भी इसमें काफ़ी ठीक ठाक है. गेम मोड में ये सारी चीज़ें हैं, इसमें ऐड गेम भी कर सकते हैं. बैटरी की बात करें बैटरी इसकी काफ़ी अच्छी है. मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ काफ़ी देर से पर बैटरी बहुत ही अच्छी चल रही है. सिक्योरिटी की बात करें तो इसमें हमें सारे पैटर्न फेस लॉक और बायोमेट्रिक अनलॉक भी मिल जाता है. चलिए पैटर्न सेट फिंगरप्रिंट को चेक कर लेते हैं कि कैसा इसका अनलॉकिंग सिस्टम. देखें गाइस फिंगरप्रिंट इसका काफ़ी तेज़ है और ये देखें पिन का ये आने का एंटर करने का इसका ये लुक है, ये बिल्कुल ही चेंज है, बिल्कुल इसने अपना दिया हुआ है. वनीला वर्जन में हमें बस ये बेसिक्स एप्स मिलती हैं, इसमें कोई जी एप्स नहीं होती ना वो प्ले स्टोर होता है. बात करते हैं इसकी कस्टमाइजेशन की तो वॉलपेपर्स में जाके इसकी कस्टमाइजेशन काफ़ी ज़्यादा है. कस्टमाइज में जाएंगे और ये देखिए यहाँ पे उन्होंने वॉलपेपर जो स्लाइड शो उसका भी उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है. बिल्ट इन वॉलपेपर्स इसके काफ़ी बढ़िया हैं, देखें काफ़ी अच्छे इसके बिल्ट इन वॉलपेपर्स हैं. कुछ MIUI के भी हैं और ये उसका वॉलपेपर स्टोर है इस DotOS का. यहाँ पर लाइन है ये OS और दूसरी दो तीन रोमों के उन्होंने दिए हुए हैं वॉलपेपर्स. इसके अपने वॉलपेपर्स बहुत अच्छे हैं. लाइव वॉलपेपर का सपोर्ट अभी नहीं मिल रहा, उन्होंने नई नई निकाली है. स्टाइल में जाके देखें तो यहाँ पर हम कस्टमली अपना फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, वाईफाई का आइकन चेंज कर सकते हैं और ये जो
कलर एडसेंट कलर है वो भी हम इसका चेंज कर सकते हैं, अप्लाई कर देंगे। कैमरा, हमें कैमरा एक सिंपल सा कैमरा मिल जाता है, उसका रिजल्ट इतना खास नहीं। आप चाहें तो इसमें जी कैम या फिर कोई और भी कैमरा फ्लैश कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। फ़ोन ऐप हमें एंड्रॉयड 7, ये सारा कुछ एंड्रॉयड 7 का प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस तरह का एंड्रॉयड 7 में होता है, क्योंकि इसमें जी एप्स नहीं है। नहीं तो अगर जी एप्स होते तो उन्होंने गूगल का फ़ोन ऐप देना था। गैलरी भी इसकी सिंपल सी गैलरी है। बात करते हैं इंस्टॉलेशन की, तो इंस्टॉलेशन के लिए आपको सबसे पहले अपनी रिकवरी में जाना होगा। जो से भी रिकवरी इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें जाएं, पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप रेडमी 5 के ऊपर ये रोम को इंस्टॉल करेंगे तो आप ऑरेंज फॉक्स रिकवरी इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि मैंने ना इस पर वो की थी TWRP रिकवरी इंस्टॉल की थी, पर उसमें जाके ये इसने कोई भी वाइप डाटा भी नहीं किया और कोई रोम भी इसने फ्लैश नहीं की। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ओरेंज फॉक्स रिकवरी इसमें इंस्टॉल करें और उससे उसके बाद ये अब इसको फ्लैश करें। रिकवरी में आने के बाद आप लोगों ने जाना है वाइप सेक्शन में और डेल्विक सिस्टम वेंडर डाटा और चीज़ें को सिलेक्ट करके आपने स्वाइप पे क्लिक स्वाइप कर देना है। इससे आपका वो सारा जो सॉफ्टवेयर वो उड़ जाएगा। उसके बाद आपने बैक आके फाइल्स में जाना है और मैं एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे पिक्सल की रोम फ्लैश करने लगा हूँ, क्योंकि मैंने वो पहले सेटअप किया तो मैं उसको दोबारा ख़राब नहीं करना चाहता था। तो इस बस सिलेक्ट आपने जिप फाइल सेलेक्ट करके यहाँ से स्वाइप कर देना है, यहाँ पे इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। इंस्टॉलेशन जैसे ही कम्प्लीट होगी तो इंस्टॉलेशन जैसे ही कंप्लीट होगी यहाँ पर डन लिखा हुआ आ जाएगा और आपने सिंपली रीबूट टू सिस्टम कर देना है और उसके बाद आपकी रोम सक्सेसफुली ओपन हो जाएगी